हरियाणा के वल्लभगढ़ में लव जिहाद की शिकार हुई छात्रा निकिता के मामले को लेकर हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर के डाकखाना चौराहे पर निकिता के चित्र के समक्ष कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देते हुए घटना पर आक्रोश जाहिर किया। हिंदूवादी संगठन विहिप के जिला उपाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव बिल्लू ने विवादित बयान देते हुए हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सुल्तानपुर में निकिता के साथ धर्म परिवर्तन के तहत इस तरह हादसा हुआ होता तो हम प्रशासन की एक ना सुनते। यहां तक कि कार्यकर्ताओं ने आरोपी के पूरे परिवार को सजा देने जैसा विवादित बयान भी दे दिया। महात्मा गांधी पर भी हिंदूवादी नेता भड़के और कहा कि गांधी के कारण मुसलमानों को दो देश मिले, पहला हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत में रहना है तो सनातन संस्कृति की परंपराओं को अपनाना ही होगा। जो हरियाणा में बल्लभगढ़ में आज मेरा गला बैठा हुआ, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, जो हरियाणा में बल्लभगढ़ में जो दुर्दांत तरीके से निर्मम तरीके से निकिता को मारा गया है धर्म परिवर्तन के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, तौफीक अहमद नाम के आदमी ने जो हत्या की है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी घोर निंदा करता है।